नमस्कार, मैं किशोर कुमारी, भुवन मल्टी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी। आज का प्रकरण है दृश्य कला। सबसे पहले ये हम जानेंगे कि दृश्य कला है क्या। देखिए, दृश्य कला जिसे हम देखते हैं अपने नेत्रों के द्वारा, एक दूसरे व्यक्ति को देखते हैं या वस्तु को देखते हैं, उसको हम दृश्य कला बोलते हैं। दृश्य कला का वह रूप जो मुख्यतः दृश्य प्रकृति की होती है, जैसे रेखा चित्र, इसको हम ड्राइंग बोलते हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, वस्तुकला, फोटोग्राफी, वीडियो, चलचित्र। अब देखिए, यहाँ चलचित्र आ गया। अब चलचित्र क्या है ये भी हम जान लें। चलचित्र मूवी को बोलते हैं, फिल्म को बोलते हैं, इसको हम चलचित्र बोलते हैं। किंतु दृश्य कला में ललित कलाएं तथा हस्तकलाएं शामिल मानी जाती हैं। अब देखिए, ये जो हम अपने वीडियो को थ्रू जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, रेखा चित्र, ये बिना देखे तो होगा नहीं। इसे हम अपने नेत्रों के द्वारा देखकर ही करेंगे। कैसे जानेंगे कि मुझे ये चित्र का, ये चीज़ का मुझे चित्र बनाना है, रेखा खींचना है? चित्रकला, अपने नेत्रों से देखेंगे तभी तो चित्रकला बनाएंगे। मूर्तिकला, अब हम देखेंगे नहीं, हाँ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको हम कर सकते हैं, लेकिन बिना देखे हुए नहीं हो सकते हैं। वस्तुकला, अब मान लिए कि अब हमें वस्तु बनाना है, कोई घर बनाना है, मकान बनाना है, टेबल कुर्सी कुछ भी बनाना है, तो फिर उसको देखकर हम बनाएंगे। उसे हम अपने नेत्रों के द्वारा देखेंगे तब बनाएंगे, इसीलिए हम उसको दृश्य कला कहते हैं। जो हम देख कर करते हैं उसको दृश्य कला कहते हैं। अब देखिए, इसमें ललित कलाएं भी जुड़ी गई है। अब ललित कलाएं क्या है ये अब हम जान लें कि ललित कलाएं क्या है। तो जो सुंदरता को निखारता है या निखारती है, उसको ललित कलाएं कहते हैं। जैसे में देखिए, ललित कलाएं या सौंदर्य के आश्रय से व्यक्त होने वाली, अर्थात वह कला, अर्थात वह कला जिसके अभिव्यंजन में सुकुमारता और सौंदर्य की अपेक्षा हो और जिसकी सृष्टि मुख्यतः मनोविनोद के लिए हो, जैसे गीत, संगीत, नाटक, विभिन्न प्रकार की चित्रकला, जो कि सुंदरता दिखाने के लिए या सुंदर बनाने के लिए और मनोरंजन करने के लिए। अब इसमें ललित कला में आ गया, जैसे में गीत,
संगीत, नृत्य, नाटक तथा विभिन्न प्रकार के चित्रकला। अब हम संगीत करेंगे, गाना गाएंगे, डांस करेंगे, नाटक करेंगे, तो फिर इससे हमको आनंद प्रदान होगी। ठीक, अब देखिए, अब हम ये समझेंगे कि हस्तकलाएं क्या है या हस्तकला की क्या अर्थ है। जो हम खुद के अपने हाथों से बनाते हैं उस कला को हस्तकला कहते हैं। सपोर्ट है घरेलू कार्य जो होती है, जैसे मैं नॉर्मली स्वेटर बनाना या टेबल क्रॉस बनाना या टेबल का बनाना, कुछ भी बनाना, यानी कि जो हाथ से बनाने के लिए, सॉरी, जो हाथ से बनाते हैं घर सजाने के लिए, उसको हम हस्तकलाएं कहते हैं। देखिए, ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के कार्य को कहते हैं, जो उपयोग होने के साथ साथ सजाने के लिए भी काम आता है। अब हम बाय द वे स्वेटर बुन रहे हैं, तो फिर स्वेटर पहन रहे हैं सर्दी के टाइम में, तो काम आते हैं। ठीक, अब हम गुलदस्ता बना रहे हैं, तो फिर हम गुलदस्ता बनाएंगे तो कहीं ना कहीं घर में ही रखेंगे ना, उसे हम घर को सजाएंगे, उसको हम अपने हाथ से बनाएंगे। जिसे हम अपने हाथ से बनाएंगे कोई भी वस्तु को, उसे हम हस्तकला बोलते हैं। और ऐसा ऐसा कोई, जैसे मैं, हमें बोर्ड बनाना है तो अच्छा सा बोर्ड बनाएंगे, किसी भगवान का बोर्ड बनाएंगे, गणेश भगवान, शंकर भगवान, किसी का भी बनाए, तो फिर उसको हम देखेंगे तभी तो बनाएंगे। और उसमें ललित कलाएं भी जुड़ी हुई है जो सुंदरता दिखाने के लिए, और कहीं उसे हम धर्म स्थल पे लगा सकते हैं, और लगाने के बाद देखेंगे हम कि ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। तो उसको हम देख रहे हैं तो अपनी नज़र से देख रहे हैं ना, अपने नेत्रों के द्वारा देख रहे हैं, तो फिर उसे हम दृश्य कला ही बोलते हैं। जिसे हम देखते हैं उसको दृश्य कला बोलते हैं। देखिए, जिसको सिर्फ हम देखते हैं, और इसमें आ जाएगा एक प्रदर्शन कला। तो प्रदर्शन कला में ये होता है कि देखने के साथ साथ सुनते हैं, लेकिन दृश्य कला में सिर्फ हम देखते हैं, इसको हम दृश्य कला कहते हैं। और दृश्य कला में जो आप लोगों को हम बोले हैं कि जो मूर्ति है तो बिना देखे तो हम बनाएंगे नहीं, देख कर ही बनाएंगे। कोई भी वस्तु को देखकर हम करते हैं, उसको बनाते हैं, उसको हम दृश्य कला कहते हैं। जैसे में ये दृश्य कला जो है, ये सब प्रकृति का दिया हुआ है, हम लोग तो बस उसका नकल करते हैं, उसका नकल करते हैं। जैसे प्रकृति का दिया हुआ जो है वो बहुत खूबसूरत होती है, पेड़ पौधा फूल कुछ भी, चिड़िया पक्षी, मतलब हर चीज़ जो प्रकृति का दिया हुआ है वो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन हम लोग उसका सिर्फ नकल करते हैं। जिसे हम देखते हैं, फिर से बता दें हम,
कि जिसे हम देखते हैं उसको दृश्य कला कहते हैं, और जिसको हम देखते हैं देखने के साथ साथ सुनते हैं उसको हम प्रदर्शन कला कहते हैं। नमस्कार।